İçindeki savaşçılar Murdaban, Murdaban Enfiye noşki ki kamoşi Namazdu, namazdu Hakkudu, hakkudu Yeruz karakko, hakkudu Tabik dizi noşki Murdaban, Murdaban Dizi leviz balochistan Murdaban, Murdaban मैं बात कर रहा हूँ जिले पंजगुर के आलिया लेविज के भर्तियों के हवाले से। इनमें ऐसे लोग मुंतखब हुए हैं जो दौड़ में बिल्कुल शामिल ही नहीं थे, और ऐसे लोगों को भी मुंतखब किया गया है जो सिफारिशी थे या तो किसी पार्टी या किसी सियासी नुमाइंदे के रिश्तेदार थे। हालिया पोस्टों में ऐसे लोग मुंतखब नहीं हुए हैं जो दौड़ में नंबर वन पोजीशन पर थे। इन पोस्टों के हवाले से मुझे बज़ात खुद कैंडिडेट्स ने सबूत भेजे हैं, उनमें से सर फहरिस्त शहजाद आरिफ का नाम है जो दौड़ में नंबर वन पोजीशन पर था। इसका वीडियो सोशल मीडिया में भी चल रहा है जो सबसे आगे थे, लेकिन इसमें एक कमज़ोरी था कि ये रिश्वत में बाकियों से पीछे था या तो सिफारिश ही नहीं था। तो बराए करम लेवीज में जो लोग मुंतखब हुए हैं, मुझे उनसे गिला नहीं है, मुझे गिला उन अहदेदारों से है, उन नुमाइंदों से है जिन्होंने ये लिस्ट बनाया है जो अकरब परवरी का शिकार या तो सिफारिशी हैं या तो रिश्वत पे बेस पर उनका सिलेक्शन हुआ है। क्योंकि पंजगुर में ये पहली दफ़ा मेरिट की पामाली नहीं हो रही है। अगर हम देखें पिछले साल सोशल वेलफेयर के पोस्टों में भी इसी तरह के लोगों को सिलेक्ट किया गया था जो टेस्ट में मौजूद ही नहीं थे, और इसी लेवीज के भर्तियों में भी ऐसे लोगों को सिलेक्ट किया गया है जो दौड़ में शामिल ही नहीं थे। आपको ऐसे लोग मिलेंगे इसी लिस्ट में जो कल शाया हुआ था, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनको आप 100 मीटर की दौड़ में अगर दौड़ाएं वो 3 दफ़ा बेहोश होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली कुदरत, मुझे कहते हैं मकबूल अहमद। मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। उसने ये कहा था कि कहीं भी अगर नाइंसाफी होगी तो वो खतरा है हर जगह के लिए जहां इंसाफ हो रहा है। इसको अगर थोड़ा हम आसान अल्फाज में समझें तो यही है कि जब हम अदालत में जाते हैं, वकील दलील दे रहा होता है तो वो देता है कि भाई फलां मुल्क की फलां अदालत ने या मुल्क की फलां अदालत ने इस बारे में ये फैसला किया था, तो वो एक ट्रेंड सेट हो जाता है। आज जो हम इनजस्टिस के बारे में बात करने जा रहे हैं वो तो बलूचिस्तान में बदकिस्मती से हर जगह ही कहीं ना कहीं किसी ना किसी सूरत में है, लेकिन ये है कि वो एक ट्रेंड सेट हो गया है। आपने सुने होंगे ये मुख्तलिफ इलाकों के, पंजगुर के सौट थे, नोशकी वालों के सौट थे, इस तरह हर जगह जहां जहां हालिया लेवीज की तैनातियां हुई हैं, जो नई भर्तियां हुई हैं उसमें आपने ये देखा होगा। जो नए डीजी साहब हैं कादिर बख्श साहब, इनसे काफ़ी उम्मीदें थी कि एनर्जेटिक हैं या यंग हैं, ये कुछ अच्छे स्टेप लेंगे। कोई मेरिट हम ये नहीं कहते, चलो मजबूरियां होती हैं आपकी, मिनिस्टर को खुश करना है, सेक्रेटरी को खुश करना है, ताकतवर हलकों को खुश करना है, आप कम से कम 30% तो मेरिट दें। लेकिन हमने देखा जहां जहां पर हुआ है तो यही लोगों को आपने देखा होगा, उनको सुना भी होगा कि ऐसे लोग, यही लोग जो ये इन्होंने भर्ती किए हैं, चाहे नोशकी में किए हैं चाहे इन्होंने जोब में किए हैं, जहाँ जहाँ इन्होंने किए आप उनका दोबारा टेस्ट लें और वही टेस्ट लें जिनके थ्रू ये भर्ती हुए हैं, तो आपको मालूम होगा कि उनमें से शायद 10% भी वो लोग क्लियर ना कर सके, लेकिन कहीं ना कहीं अप्रोच थी तो वो ले गए। हम कहते तो बहुत कुछ हैं इदारों को या एस्टेब्लिशमेंट को या फौज को, लेकिन उनके कुछ कानून हैं, उधर कुछ कानून हैं, और एक के गरीब का बच्चा भी आता है तो अपनी मेहनत और काबिलियत को पहुंचता है। अगर उससे कहीं गलती सरजद होती है
तो उसकी प्रमोशन भी रुकती है, उसको जवाब भी देना पड़ता है, उससे बहुत सारे सवालात और पनिशमेंट मिलती है। डीजी लेवी साहब डीसी ज़ियारत है कि 6 लेवीज़ के पर्सनल चेक पोस्ट पर एक ही उसमें जो है ना मारे गए, और फिर वो हमलावर कामयाब भी हो गए, चले भी गए, कुछ पता नहीं चला। अगर ये साहब कोई मेजर होते या कैप्टन होते, इनके दौर में गाड़ी भी उल्टी होती ना, मरना तो दूर की बात है, एक गाड़ी कल्टी खाती या उलट जाती तो इनकी प्रमोशन को भी काफ़ी डैमेजेस होते, इनसे सवाल और जवाब भी होता, ये उसका पे भी करते। लेकिन सिविलियन हैं और फिर बलूचिस्तान में हैं तो कुछ भी करें, पूछने वाला नहीं है। अब फिर जब नहीं पूछा गया, क्या हुआ, आ गए एडिशनल सेक्रेटरी बन गए, फिर डीजी लेवीज बन गए। अब अगर वक्त पर पूछा होता तो ये मेरिट पामाल ना होता, फिर लोग ये इल्ज़ाम ना लगाते कि यार फला लोग उन्हें इसको सिफारिश की, फ़िला ने पैसा दिया, फ़िला ने ये किया। ये लोग ऐसे लगे हैं, इन्होंने ऐसे ऐसे कर दिया वहाँ पर, लोग बेचारों को पहले ही, पिछले साल भी आपने देखा होगा कि लोग पैदल मार्च खुशदार से लेकर आए थे यहाँ पे प्रेस क्लब के सामने, कितने अरसे तक वो बैठे रहे कि, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था, उन्होंने धरना दिया, भूख हड़ताल पर बैठ गए, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था। अगर उस वक्त सज़ा मिली होती तो आज ये ना होता। और यही है कि आप डील करो, आपको सब कुछ मिलेगा। जो जो लगा है इन इलाकों में, अगर मैं गलत कह रहा हूं या ये लोग गलत कह रहे हैं जिनके शॉट हमने आपको दिखाए हैं, तो आप खुद एक आजादाना, ये CMIT है ना, इसके थ्रू इंक्वायरी करवाएं, पता चल जाएगा कि लोग क्यों सरापा एहतजाज हैं। इन्होंने पंजगूर में किए, पंजगूर में ये इल्ज़ाम था कि वजीर साहब ने तमाम के तमाम अपने लोग लगाए हैं। इसी तरीके से जो जहां जहां का था उसके अपने ही लोग लगे, या फिर नीचे वालों ने भी अप्रोच किया। अब कलात में इन्होंने कैंसिल कर दिए हैं, हालांकि उन बेचारों की दौड़ भी थी, फिर टेस्ट इंटरव्यू भी दिया, कैंसिल क्या कह नहीं भर्ती करेंगे। हालांकि वो जो एडवाइज़र हैं CM के दाखिला ज़ियाउल्लाह लांगो साहब, वो चीज़ उसके अंडर ही आते हैं, उनका अपना इलाका है, बदकिस्मती से वहाँ पे कोई हेडक्वार्टर नहीं है, उन लोगों बेचारों को या मस्तूम जाना पड़ता है या फिर खुशदार जाना पड़ता है। वो भी एहतजाज पर हैं कि भाई ये क्या कर रहे हो, बताओ तो सही। वो लोग उसमें शायद इन लोगों के अपने लोग नहीं लगे, ये वो गरीब लोग थे, कोई पैसे शैसे नहीं दे सकते थे, तो फिर कैंसिल। अगर उनके पास पैसे होते या उनके पास तगड़ी सिफारिश होती तो वो लग जाते, जो नई आसामियाँ थी वो भी पूरी हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कोई नहीं पूछ सकता इनसे। मैंने कहा ना कि पहले इनकी सुपरविजन में ये DC थे, ये कुछ हो गया, किसी ने नहीं पूछा। अब DG लेवीज हैं, एक एक जगह पे वो हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, कुछ भी करें। अब कौन चैलेंज करे, किस बेचारे को क्या पता है, कोई टेस्ट इंटरव्यू, कोई कार्बन कॉपी किसी के पास नहीं है। टेस्ट इंटरव्यू इनके ये लोग खुद लेते हैं, इनकी मर्जी, जिसको जो चाहे दे, उसको आप कैसे चैलेंज करेंगे। लेकिन बस ये एक ढकोसला और ड्रामा है जो ये डिपार्टमेंटल टेस्ट के नाम पर होता है। आप ये ड्रामे कम से कम इनसे अवाम को जो है ना पहले बता दिया करें कि ये लोग लगने होते हैं, और हमें ये हर जगह देखने में आया है। अब तो अवाम खुलेआम कहती है कि भाई मिलना तो कुछ है नहीं। ऐसे कई लोग हमने देखे हैं जो बेचारे अपना कुछ ना कुछ बेच कर आसामियाँ ले रहे हैं। अब एक स्केल पर 1,00,000 रुपए है, अगर फिर डिपेंड करता है, लोग कई लोग हैं जो आगे डीलें कर रहे हैं, अगर ये हमें पता है तो जो इदारे हैं उनको नहीं पता कि ये क्या हो रहा है। लेकिन कोई यहाँ पूछने वाला नहीं है, यहाँ सब चीज़ें एक सोचे समझे हर एक के हिस्से हैं। और फिर आपने देखा होगा जब ये लेवीज़ का दौड़ हो रही थी तो एक नौजवान था, उस बेचारे के तो पांव फट गए थे,
हर एक ने कहा था फेसबुक पर अगर वो तस्वीर वो करते थे तो कहते थे कि भाई ये वायलेशन है, खून आ रहा था। लेकिन यहाँ किसी को एहसास नहीं है। अगर कोई एक बंदा सिफारिश भी करके आता है तो आप कम से कम उन्हें इतना तो कहें कि यार कुछ तो गरीब लोगों को, हकदार लोगों को लगने दो। लेकिन 100% सिलेक्शन, 100% सिलेक्शन हो रही है, कोई प्रोसेस नहीं इनको मॉनिटर करने का। जो लग गया, और आपको पता है कि यहाँ आजकल डीजी शिप कैसे मिलती है, सेक्रेटरीशिप कैसे मिलती है, वादे वईद करके आते हैं। फिर जब ये चीज़ें होंगी फिर सारी चीज़ें सिलेक्शन पर होंगी। और फिर जो शख्स 7 लाख देकर सिपाही बनता है ना, वो फिर मुहाफिज नहीं होगा, वो सबसे पहले फिर अपने खर्चे पूरे करेगा और वो कहेगा कि मैंने, मुझ पर कोई एहसान नहीं हुआ है, अगर मैंने ये आसामी ली है तो मैंने इस बेस पर ली है। एक वज़ीर साहब हैं, जब वो एजुकेशन के मुशीर थे, उन्होंने बोर्ड में कुछ बंदे लगवाए। अब दोबारा एक वजारत में वो हो गए जो बंदे लगवाए थे, उनसे आजकल घर में काम करवा रहे हैं। तो जाहरी बात है वो यही कहता है कि भाई बोर्ड ने मुझे नहीं लगाया, अगर बोर्ड में मैं लगा भी हूँ तो उस मिनिस्टर के थ्रू लगा हूँ, तो मैं तो उसका खादिम हूँ। इसी तरीके से हम देखते हैं कि ये लेवीज़ वाले, ये जो लगते हैं, जो इनको लगवाते हैं, फिर वो सारी ज़िंदगी इनसे अपने काम लेते हैं। वो फिर हुकूमत के सिर्फ वो तनख्वाह लेते हैं, बाकी खिदमत हमने नहीं देखी। तो इसका अब क्या तोड़ होगा हमें तो नहीं मालूम, लेकिन अगर ये एक आम बंदे को पता है तो एक तहकीकात करवा ले, वरना फिर मुहाफिज यूं सेलेक्ट होंगे तो फिर वहाँ पर बदमनी भी होगी, वहाँ पर थानों में लोगों को बेइज्जत भी किया जाएगा। और यही लोग, कल ये डीसी था, ये डीजी है, कल ये सेक्रेटरी होगा, तमाम इदारों को और तमाम अपने मातहतों की जो है ना यूं सिलेक्शंस होंगी, और फैसलों को बाय रूल्स नहीं बल्कि बाय विश इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो सिस्टम की बर्बादी की मेरे ख्याल में इससे वाज़े सबूत हमें नहीं मिल सकते। तो हम तो बस एक्सपोज कर सकते हैं, बाकी आवाम बेचारी एहतजाज कर सकती है, बाकी सब कहते हैं हम भी हैं कि सब मिले हुए हैं, उल्टा कहीं कुछ जाता भी है वो अपने लेन देन के चक्कर में कुछ भी नहीं करता और रिलीफ दे देता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।